हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जैकलिट एजुकेशनल चैनल मैं हूं जकी अहमद और आज हम फिर से एक लेसन ले आए हैं जो कि पार्ट थर्टीन है प्रीवियस ईयर्स एम सिक्यूज फ्रॉम नेट सेट एनवायरमेंटल साइंस जी हां हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए थे और जानेंगे कि उनके सोल्यूशन और कॉन्सेप्ट क्या हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेसन फर्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज गवर्न बाई विच ऑफ दिस लॉ और ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं ए लॉ 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 ऑफ ऑफ बी फर्स्ट सी न्यूटन या फिर डी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सो आपको ये जानकर पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है तो वो बताता है कि दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट एंड द एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अन अदर बट कैन बी नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड तो एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को वो चेंज होता है फॉर एग्जाम्पल एक एनर्जी फ्लो एन एन इकोसिस्टम मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल को जाना सो प्रोड्यूसर से जब कंज्यूमर को जाता है तो इन बिटवीन द लॉस इज़ ड्यू टू द रेस्परेशन और इन द फॉर्म ऑफ हीट बट उसमें से कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं होता है या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट लॉ ऑफ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर तो आप तो पता है क्या होता है इसके साथ साथ ये पूछा है कि हाउ मेनी टारगेट्स आर देयर सो ईच गोल इज सपोर्टेड बाय सेट ऑफ टारगेट्स सो यू हैव टू करेक्टली आंसर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी that is, there are total of 17 goals and 169 targets in sustainable development goals. so the sustainable development goals, hota hai so it is a collection of 17 goals and 169 targets. it is actually a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. so this target is followed by all of the countries for throughout the uh, nations. so this was set in the year 2015 and this was set by the united nations general assembly. that is unga.

9th is industry innovation and infrastructure 10th is reduce inequalities 11th is sustainable cities and communities 12th is responsible consumption and production the 13th goal is climate action we should need action to climate change we should fight against the climate change and 14th is life below water we should care all the life which are present in water similarly number 15 is life on land we should care about all the life present on land number 16 is पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट दर्ल्ड एंड फाइनलीजरी इंपॉर्टेंट दट इज पार्टनरशिप फॉर द गोल सो देर शुड बी प्रॉपर एंड गुड पार्टनरशिप टू अचीव दिस गोल टू थाउजेंड थर्टी मूविंग ऑन टू द्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द मोस्ट अबर्ंड ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोस्फिट सो हियर आर द ऑप्शन तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन में से वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रचुर प्रमाण में कौन सा ग्रीन हाउस गैस मौजूद है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हुआ ऑप्शन नंबर सी वाटर वेपर जी हाँ एच टू जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है इससे हमें पता चलता है और वो है सबसे ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोसफियर एज कम्पेयर टू मीथेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग सो हियर आर द ऑप्शंस गिवन तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जी हाँ क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसी से ओरिजिनेट हुआ है कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट है तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है एक कार्बन क्रेडिट इज अ परमिट और सर्टिफिकेट अलाउंग द होल्डर सच होल्डर्स कंपनी को या किसी को दिया जाता है टू एमिट कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज तो ये नाइनटीन में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें कि ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए प्लेज लिया गया था थ्रू आउट द वर्ल्ड सो ये उसका एक ऑरिजिनेट है नेक्स्ट हम देखेंगे इसी क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको कि जो रियो समिट है वो 1992 को हुआ था आपको पता होना चाहिए एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट इज दैट वाज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन इट हैपन इन 1987 और आपको बताना है कि पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था सो so, कमेंट करके बताइए पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था और किसके बारे में हुआ था नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है इन द इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया हैज प्लेस टू रिड्यूस

चलते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ सिक्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी हाँ इसमें पूछा गया है कि इन इकोलॉजी व्हाट डज द टर्म एकेसिस मीन तो एकेसिस e का मतलब क्या होता है यहाँ पे पूछा गया है तो अगर आप एक ऑप्शन सबको पढ़ेंगे या फिर मैं भी पढ़ूंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा तो एग्जाम में आप भूल के आ जाएंगे भूल करके आ जाएंगे सो बेटर नॉट टू रीड दिस ऑप्शन लेट्स गो एंड सी वट इज द करेक्ट आंसर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सो एकेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस बाई विच ए प्लांट और एनिमल बिकम्स एस्टेब्लिश इन ए न्यू हैबिटेट सो ये जो सक्सेसन उसी का एक पार्ट है तो एक सक्सेसन में होता है जिसमें कि एक प्लांट या फिर एनिमल जो है वो एक नए हैबिटेट में स्टेब्लिश होने के लिए कोशिश करता है एक प्रोसेस के जरिए नेक्स्ट ऑप्शन जो था वो था एन ऑर्गेनिज्मेड बाई इट्स एनवायरमेंट तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका टर्मिनोलॉजी है इसको कहते हैं इकेड नेक्स्ट इज देंस ऑफ टू और मोर क्लियरली डिफरेंट मॉप और फॉर्म्स इन स्पीसीज पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज तो हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में पॉलीमोर्फिजम का एक एग्जाम्पल दिया गया है और नेक्स्ट ऑप्शन था वो था प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन एंड ब्रेक्स डाउन डेड और डिकिंग मैटर तो इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन तो यहां पे आप देख सकते हैं ये चारों ऑप्शन में दिया गया था आपको यहां पे देख सकते हैं लेकिन आपको अगर पता है कि ये चारों चीज क्या है तो आप इजीली कह पाएंगे कि एकेसिस क्या होता है सो so, इसमें से हमें क्या पता चलता है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं अगर हम इनको एक एक करके पढ़ें और उनको जाने कि इसका क्या एक्चुअल उसके कॉन्सेप्ट है तो इसमें एक क्वेश्चन से चार कॉन्सेप्ट हमको मिल जाएगा तो इसी तरह आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पढ़ने के लिए जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका चारों ऑप्शन के कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैंने भी इसी तरह अप्लाई किया था अपने बारे में नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है सो दिस एग्जाम्पल इज ऑफ गोल्डन फिंच So, golden finch have different polymorphism because their head is of different color. So, you can see here in this picture, one is having yellow head, another one is having black head, and the one is having red head because they are having three different morphology that is, morphological features. This is an example of polymorphism. So, golden finch is an example of polymorphism. Next, move on to the seventh question the seventh question is the maximum depth of the ocean at which photosynthesis can occur is.

करेक्ट इक्वेशन फॉर नेट प्राइमे प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लाट्स इज यहाँ पे पूछा गया है तो जो इक्वेशन होता है इक्वेशन तो क्या होगा तो पे दिया गया है, इसका जीपीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और आर का मतलब यहाँ पे है रेस्परेशन सो द करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बिकॉज इन ऑप्शन नंबर का मतलब है ग्रॉस प्राइमे प्रोडक्टिविटी माइनस

तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस ईयर्स के नेट और सेट के एन्वायरमेंटल साइंस पेपर से लिए थे तो आई होप यू ऑल पीपल नो दैट एन टी ए यू जी सी नेट हैज़ पोस्टपोन दिस जून टू थाउजेंड ट्वेंटी एग्जामिनेशन बट इट इज़ नॉट कैंसल्ड सो आप प्रिपेयर करते रहिए मेहनत करते रहिए और जब भी एग्जाम आएगा आप अच्छे से दीजिए सो फॉलो मी फॉर फर्दर अपडेट्स एंड डोंट फरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल द बेस्ट टू एवरी वन